हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? आप सभी, आशा कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आपकी ही हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 10 करेंगे, कौन श्रेष्ठ है। इससे पहले हमने पाठ नंबर 10 की प्रश्न उत्तर किए थे, क्वेश्चन आंसर किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। ठीक है, जैसे सबसे पहले झगड़े की शुरुआत किसने की थी, ये प्रश्न उत्तर किया था कि सबसे पहले झगड़े की शुरुआत वाणी ने की थी। फिर ये था कि अपना झगड़ा निपटाने के लिए इंद्रियां किसके पास गई। ठीक है, उसका उत्तर क्या था कि अपना झगड़ा निपटाने के लिए इंद्रियां किसके पास गई थी, जगत पिता या जगत निर्माता ब्रह्मा के पास गई थी। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से पाठ नंबर 10 कौन श्रेष्ठ है का प्रश्न नंबर 3 और 4 करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आंख ने लौटकर क्या देखा। आंख ने लौटकर क्या देखा। देखो, सबसे पहले जो परीक्षा देने की बारी आई थी वाणी की आई थी, वाणी के बाद आई थी आंख की। ठीक है, और जब आंख आंख चली गई तो आंख ने कहा था, तुम देखते हो कि तुम मेरे बगैर कैसे काम करोगे, तुम सभी यहाँ पर अंधेरे में पड़े रहोगे। तो आंख ने लौटकर देखा कि शरीर के सभी अंगों का काम उसके बिना चल गया। देखा, जब आंख लौटकर आई, काफी दिनों के बाद जब आंख लौटकर आई, आंख को यह समझ में आ गया कि इन सभी का काम मेरे बगैर चल गया है। ठीक है, तो आंख ने लौट कर देखा कि शरीर के सभी अंगों का काम उसके बगैर उसके बिना चल गया है। ठीक है, बिना चल गया। आगे देखो, आगे है प्रश्न नंबर 4, प्राण के चलते ही इंद्रियों ने उसे क्यों रोका। प्राण के चलते ही इंद्रियों ने उसे क्यों रोका। देखो, जब प्राण ने तो ये कहा था कि आप सभी मेरे छोटे बहन भाई हो, आप सभी मेरे छोटे हो, मुझे परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और न मैं अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता हूँ, और न मैं कहीं पर जाना चाहता हूँ। लेकिन वे सभी नहीं माने कि आपने तो परीक्षा देनी पड़ेगी, आपने भी हमें प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन जब प्राण अपना प्रमाण देने के लिए जाने लगा, तो आंख के सामने क्या हो गया था, अंधेरा छा गया था, वाणी लुप्त हो गई थी, और कान के क्या हो गया था, चुप्पी सा, यानी कान को भी सुनाई देना बंद हो गया था। यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्राण के चलते ही इंद्रियों ने उसे क्यों रोका। देखो प्रश्न उत्तर क्या बनता है इसका, प्राण के चलते इंद्रियों ने उसे इसलिए रोका। ठीक है, यहाँ पर प्राण के चलते ही आएगा। ठीक है, ही लिख लेना यहाँ पर, प्राण के चलते ही इंद्रियों ने उसे इसलिए रोका क्योंकि जब प्राण जा रहा था तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बिल्कुल छाएगा। अब आंख जब प्राण यानी हमारा जब सांस ही की गति रुक जाएगी तो हम किस क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वाणी लुप्त हो गई, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, यानी हमारे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, मन डावाडोल हो गया। ठीक है, मन डावाडोल यानी मन क्या करेगा जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे, हमारे अंदर श्वास वायु आने जाने बंद हो जाएगी, तो हमारा शरीर कुछ भी नहीं कर पाए, मन डावाडोल हो गया। यह देखकर वे चारों चिल्लाए, मत जाओ मत जाओ, बस करो। आगे देखो, हम हार मान गए, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। ठीक है, यानी जब दोबारा फिर मैं इसी प्रश्न को करवा देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्राण के चलते इंद्रियों ने उसे क्यों रोका। अब देखो, प्राण के चलते ही इंद्रियों ने उसे इसलिए रोका क्योंकि जब प्राण जा रहा था तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंखों के सामने क्या छा गया, अंधेरा छा गया, वाणी लुप्त हो गई, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, और मन डावाडोल हो गया। यह देखकर वे चारों चिल्लाए, मत जाओ मत जाओ, बस करो।
हमें हार मान गए, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। तो प्यारे बच्चों, आशा कि आप सभी को ये प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आएंगी। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दिया गया है सब्सक्राइबर, उसको बटाकर उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत